मैं आपसे जो आज बातचीत करूंगा वो है मीडिया की साख, मीडिया क्रेडिबिलिटी। मेरे ख्याल से पिछले 2-3 महीने में जो वाकया दरपेश आए हैं उसने मीडिया के किरदार पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। दूसरी चीज ये कि इस विधा का, सहाफत का, पत्रकारिता का भविष्य क्या है। मिसाल के तौर पे आप दो खबरें उठाइए, एक बहुत ही नामी गिरामी न्यूज चैनल के संपादक ने जो एक कीर्तिमान स्थापित किया वो हिंदुस्तान में आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हिंदुस्तान को फख्र होना चाहिए कि सरदार खुशवंत सिंह जैसे लोग संपादक रहे हैं। मेरे दूसरे आइकन थे जॉर्ज वर्गीस, जिनको आप जानते हैं वीजी वर्गीस के नाम से। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। हम लोग का दुर्भाग्य यह था कि हम लोग जेएनयू से आते थे तो उसको कहा जाता था कि यह मार्क्सिज्म का जखीरा है, यह अट्टा है, जहां लोग लेनिन की भाषा में सोते हैं, मार्क्स की भाषा में रोते हैं और हेगल की भाषा में नाच करते हैं। वहां से निकलना और फिर इस मैदान में कदम रखना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बहरहाल जो 30 सालों में मैंने देखा है उसके आधार पर आपको यह कह सकता हूं कि इस वक्त मीडिया सच मायने में अपने अस्तित्व की, अपने किरदार की लड़ाई लड़ रहा है। लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते आए हैं कि मीडिया समाज का आईना होता है, वो वही प्रतिबिंबित करता है, वही दिखाता है जो समाज में उसको दिखता है। लेकिन जो हरकतें, जो वारदातें पिछले 2-3 सालों में हुई हैं, जिसका आगाज 2G तमाशे के साथ हुआ था और नीला गाड़िया के हंडिया में 50-60 हड्डियां एक साथ इकट्ठी हो गई थी, तो उसके बाद लगने लगा कि शायद इस आईने में भी अब बाल उगने लगे हैं। फर्क यह था कि पत्रकार को लोग समाज का वो सिपाही मानते थे जो एक आम आदमी की मुश्किलें, एक आम आदमी की परेशानियों को लफ्जों के जरिए लफ्ज बयान करता था अपने अखबार में। सरकार की चूलें हिल जाती थी, मंत्रियों का इस्तीफा हो जाता था। आज माहौल बिल्कुल अलग है। और यह भी सच है कि पिछले 30 सालों में मीडिया किसी भी और उद्योग की तरह उद्योग बन गया है। दुनिया के इस समाज के सबसे पहले पत्रकार का नाम था ऋषि नारद, जिन्होंने यह बीड़ा उठाया था कि सुर और असुर के बीच संवाद की प्रक्रिया वही जारी रखी है। वहां से लेकर के पत्रकारिता यानी सहाफत का सफर बहुत लंबा रहा है। आपको भी पता होना चाहिए कि 52 मतलब 52 ईसा पूर्व BC में एलेक्जेंडर नामक सम्राट ने लैटिन शब्द का इस्तेमाल किया था जिसका आप अंग्रेजी में मीडिया कहते हैं। उसके दो काम होते थे कि पूरे साम्राज्य में कुछ जगहों पर तख्तों पे कुछ नाम लिख दिए जाते थे। वो नाम उन लोगों के थे जिन्होंने चोरी की हो, डाका डाला हो या कोई बड़ा गुनाह किया हो, या फिर वो नाम उन लोगों के होते थे जिसे सल्तनत इनाम देती थी या उनके कार्य की प्रशंसा करती थी। वहां से मीडिया का आगाज हुआ। 618 ईस्वी में दुनिया में सबसे पहली बार एक पेज का अखबार बना जिसका नाम था दबाओ, TAPAO, चाइना में। 1778 में जर्मनी में पहली बार 8 पेज का अखबार छापा गया जिसका नाम था अरिस्ता और जैतून। जैतून ग्रुप आज भी मौजूद है जर्मनी में और उसकी अपनी अलग पहचान है।
उससे लेकर के ये सफर काफी और बड़ा हो गया। और आज की तारीख में आपके INS के रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान ऐसा देश है जो अकेला 69,752 प्रकाशन करता है हर साल में, जिसमें दैनिक अखबार है, साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं, पखवाड़े वाली पत्रिकाएं हैं। मतलब ये कि पूरे एशिया के जितने देश हैं उनसे 310 गुना ज्यादा अखबारों और पत्रिकाओं की संख्या अकेले हिंदुस्तान में है। आप अमेरिका और यूरोपियन यूनियन की बात करें, उनको दोनों को जोड़ लें तो वहां पे कुल मिला के 134 टेलीविजन चैनल्स दिखाई देंगे आपको, जिसमें सिर्फ 37 न्यूज चैनल थे। आज की तारीख में भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 820 ऐसे न्यूज चैनल को यहां से अपलिंक करने की इजाजत दी है और अगले 6 महीने में करीब 190 चैनल और होंगे। अकेले अब तक पूरे हिंदुस्तान में 24 घंटों वाला न्यूज चैनल चलता है, जिनमें 36 क्षेत्रीय भाषाओं में है। इसके बावजूद भी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अगर दिल्ली में शास्त्री भवन के किसी मकान के चौथे मंजिल पर 20 बंदर घुस जाते हैं और भारत के सूचना प्रसारण मंत्री के दफ्तर से 4 फाइलें फाड़ के फेंक देते हैं और उस पर थूक देते हैं, तो वो हमारे सारे नेशनल चैनल्स 20 से 22 मिनट तक लाइव दिखाते हैं अपने मुख्तलिफ अंदाज में। तो उसका तबसरा भी होता है, तस्करा भी होता है, क्या क्या नहीं होता है। लेकिन अगर दिन के 12:30 बजे मदुरै जैसे शहर में 4 युवतियों को जिंदा बस में जला दिया जाता है, तो सभ्यता के ठेकेदार कहलाने वाले हम लोग मीडिया के भाई बंधु, उसको दिल्ली के PTI जैसी एजेंसियों ने भी एक लाइन फाइल करने की जहमत नहीं उठाते। ये हमारी साख पे, हमारे किरदार पे, हमारे क्रेडिबिलिटी पे सबसे बड़ा धब्बा है।